गुरु नानक देव का संदेश। गुरु नानक एक ऐसे व्यक्ति थे जो धर्म ग्रंथ नहीं जानते थे, वह जीवन को जानते थे। वह बहुत दयालु और साहसी व्यक्ति थे। उनके बारे में एक खूबसूरत कहानी है। वह पैदल यात्रा कर रहे थे और लोगों को उपदेश दे रहे थे। एक दिन वह इलाके के एक बहुत अमीर आदमी के घर मेहमान बनकर आए। कुछ दिनों बाद जब वह जाने लगे, तब उन्होंने अमीर आदमी को एक सिलाई वाली सुई दी और कहा, इसे अपने पास रखो, कुछ समय बाद जब तुम मुझे देखो तो लौटा देना। गुरु नानक देव के जाने के बाद अमीर व्यक्ति ने अपनी पत्नी को यह बताया। पत्नी ने तुरंत डांटा, आपने गुरु से सुई क्यों ली? वह बूढ़े हैं, मान लो कि वह मर जाते हैं और आप सुई लौटा नहीं पाते हैं, तो आप क्या करेंगे? सदैव कर्ज में डूबे रहेंगे। आप इस एक कर्म को धोने में असमर्थ होंगे और इसकी कीमत आपको जन्मों तक चुकानी पड़ सकती है। यह अच्छी बात नहीं है। किसी तरह उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए और सुई तुरंत लौटा दीजिए। अमीर आदमी गुरु नानक देव के बारे में पता करने लगा। कुछ महीनों बाद वह नानक देव तक पहुंचने में कामयाब हो गया। भेंट होते ही कहा, गुरुजी, मैं इस सुई को अपने साथ नहीं रखना चाहता। आप बूढ़े आदमी हैं, यदि आपका निधन हो जाए तो मैं इस सुई को स्वर्ग नहीं ले जा सकता और ना ही आपको सुई लौटा सकता हूँ। मैं हमेशा के लिए कर्जदार हो जाऊंगा, गुरु नानक ने उत्तर दिया। तो आप जानते हैं कि आप सुई को स्वर्ग नहीं ले जा सकते? उस आदमी ने हाँ कहा। तब नानक देव ने कहा, जब आप जानते हैं कि आप सुई नहीं ले जा सकते, तो उन तमाम चीजों का क्या होगा जो आप जमा कर रहे हो? आप कुछ भी साथ नहीं ले जा पाओगे। अमीर आदमी को तत्काल संदेश मिल गया। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा। वह घर वापस चला आया, परिवार के लिए जो जरूरी था उसे पास रखा और लोगों की भलाई में जुट गया। लोगों की तन मन धन से सेवा करने लगा। विश्व एक सीमित स्थान है और यहाँ सीमित संसाधन है। कई लोग अंतहीन रूप से कुछ न कुछ संचय करते रहते हैं। सक्षम लोग ज्यादा संचय कर लेते हैं, बाकी लोगों को बहुत पीड़ा व संघर्ष से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को तय करना होगा कि मुझे अपने लिए बस इतना चाहिए और मैं अपनी बाकी क्षमताओं संसाधनों का उपयोग सभी की भलाई के लिए करूँगा। अगर यह बात किसी इंसान की समझ में नहीं आए तो वह खुद के लिए और दुनिया के लिए आपदा है। इस ग्रह पर वास्तविक आपदा भूकंप, ज्वालामुखी या सुनामी नहीं है, यह मानवीय अज्ञानता है। अज्ञानता ही एकमात्र विपत्ति है, आत्मज्ञान ही एकमात्र समाधान है। नानक देव ने कहा, जब आप जानते हैं कि आप एक सुई नहीं ले जा सकते, तो उन तमाम चीजों का क्या होगा आप जमा कर रहे हैं? आप उनमें से कुछ भी साथ नहीं ले जा पाओगे। जय जय श्री राधे।